नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। मैं राजू राय आपके अपने YouTube चैनल से, जो भाई बिहार SSGD या बिहार SI दरोगा का फिजिकल की तैयारी करना चाहता है या झारखंड पुलिस के लिए, हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है और आज हुआ है झारखंड बिहार SI का दरोगा का टेस्ट। सही बच्चों जानते हैं कि 7 दिन में उनको क्या फर्क दिखाया है, उनका टाइम कम हुआ है कि नहीं, उनका लॉन्ग जंप में सुधार हुआ है कि नहीं, और उनका हाई जंप में सुधार हुआ है कि नहीं, उनका रनिंग में सुधार हुआ है कि नहीं। और बिहार SI के बाद अग्निवीर दानापुर यारो GD का मेरिट आ गया है, GD NA और क्लर्क सब का। तो हमारे यहाँ से 57 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत जल्द आपको सिलेक्शन का वीडियो देखने को मिलेगा। और आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक अच्छी एकेडमी जाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। और सभी बच्चों से मिलवाते हैं कि यहाँ की तैयारी कैसे चल रहा है और यहाँ पे बैच स्टार्ट हुआ है तो रनिंग कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे नहीं, बच्चों जानते हैं। चलिए पहले भाई के दिल से एक बार चलिए कैमरा पास लीजिए। आप किसी की तैयारी कर रहे हैं? दरोगा। उधर बोले कैमरा में दरोगा का। कितने दिन हुए एकेडमी ज्वाइन किए? एक हफ्ता। पहला टाइमिंग कितना लगा था अगले संडे को? 7 मिनट। और आज कितना लगा, ईमानदारी पूर्वक बताना सभी भाइयों को। 6 मिनट। 6 मिनट। एक और भाई के लिए ताली बजाइए। चलिए आप आइए, आपका आज कितना लगा, इसे नेक्स्ट हफ्ते कितना लगा था? मेरा 7:15 लगा था। 7:15। और आज कितना लगा है? आज मेरा 6:35 लगा। 6:35। एक और भाई के लिए ताली बजाइए। कुछ बोलना चाहेंगे भाइयों के लिए? यहाँ पे जो भी है ईमानदारी पूर्वक बताना, जो आपको दिखा, जो महसूस किया एकेडमी के बारे में, बच्चों के बारे में। हाँ चलिए बताइए। इस एकेडमी में आने पे मुझे एक ही अनुभव हुआ कि हम पहले किसी काम को करने से डरते थे, लेकिन यहाँ आते ही सर का जो डर या जो भी कुछ कहिए, उससे मुझे क्या हुआ कि अंदर का जो मनोबल था वो उसके कारण से हम क्या किए कि हाई जंप करने लगे। मुझे 2 फीट हाई जंप नहीं हो पाता था, आज हाई जंप 4 फीट कर दे रहे हैं। दौड़ भी मेरा रनिंग भी यहाँ आने से 7 दिन में बहुत काफ़ी बेहतर अच्छा हो गया। लॉन्ग जंप भी सब, मतलब सर का इतना अच्छा अनुभव मुझे प्रकट हुआ कि हम सर के अनुभव से मतलब बहुत जागरूक है, इसलिए सर को बहुत बहुत चले भाई के दिल चले जाइए। साथियों और दरोगा कौन कौन है, आपको कितना लगा बाबू? 6:50। खुद से टाइमिंग मार के? यस सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई उनको? मैं बोलना चाहूंगा यही कि जो भी भाई बिहार SI का तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल वो रिजल्ट का वेट ना करें और सर के साथ जल्दी से जल्दी जुड़े। जो आरा में है तो आरा आकर जुड़े, नहीं तो आप वीडियो के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं सर से, और जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करके सर से इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं ताकि बिहार SI में कैसे फिजिकल करें, क्योंकि सर बहुत काफ़ी बच्चों का जो होता है क्यूरी रहता है कि कैसे हम हाई जंप करें। मेरा भी था, इनका भी था, ये मेरे दोस्त ही हैं तो हम लोग यहाँ जुड़े। उसके बाद काफ़ी हम लोगों में परिवर्तन देखने को, बहुत सारा परिवर्तन हुआ। पहले तो हम 2.5 फीट 3 फीट में डर जा रहे थे, शुभम भी साथ में था, ये तो 2 फीट में ही डर जा रहा था। कोई बोलेगा इसमें कि 2 फीट में डर जा रहा था तो कोई लोग सोचेगा कि नहीं ये बना कर बोला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खुश है आप इस एकेडमी में? यस सर, बहुत खुश है। आप जी सर कितना लगा, पहला टाइमिंग कितना लगा था? 7:30। और आज कितना लगा है? आज और दिल से मेहनत कीजिए और 6 मिनट मारना सबको, दिल से सबको। साथियों जितने भी SI के स्टूडेंट आज छुट्टी पे हैं, देख लिए आप सभी बच्चों का आपके साथ आए हैं और सबका टाइमिंग 7:30+ था और आज 7 से 10 दिन में वर्क करके 6 मिनट 6:30 सभी मार रहे हैं। अगर आपको भी तैयारी करना है और आपका भी मकसद है कि मेरे को नौकरी लेना है और SI बनना है, तो एक बार आइए हमारे पास और अपने सपनों को साकार कीजिए। सिलेक्शन का 100% गारंटी है और उस सिलेक्शन की 100% गारंटी है, लेकिन आपको ग्राउंड दोनों टाइम आना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद जय भारत।